हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे थे मुद्रा एवं बैंकिंग पर, और आज मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित बात करते हुए आपका यह छठवां लेक्चर्स हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग के छठवें लेक्चर्स के माध्यम से आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो हम लोग मौद्रिक नीति के उपकरणों पर चर्चा कर रहे थे, और मौद्रिक नीति के उपकरणों में हम लोगों ने चार चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया था। चलिए देख लेते हैं, मौद्रिक नीति के उपकरणों में चार चीजों को हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से समझा था। क्या था तो देखिए, मौद्रिक नीति के उपकरण, मौद्रिक नीति के उपकरण, थोड़ा ओवरव्यू आपको बता दूं फिर उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण की बात करें तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक नीति जो होता है वो छह उपकरण होते हैं। इसके मौद्रिक नीति के कितने उपकरण होते हैं? छह उपकरण होते हैं। अब इन छह उपकरणों में हम लोगों ने कुछ उपकरणों के बारे में चर्चा की थी, कुछ उपकरणों के बारे में चर्चा नहीं की थी। तो जैसे देखिए, इसमें से एक उपकरण था आपका रेपो रेट, एक उपकरण था आपका रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरा उपकरण आपका था बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट के बाद था कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब इसको CRR भी लिखते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों था स्टेचुअरी, लिक्विडिटी, स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको SLR लिखते हैं। फिर था ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको OMO कहा गया। अब सोचते हो, आपको एक चीज सोच रहा होगा कि सर, ये तो आप बहुत सारी चीजें इसमें से पढ़ा दी हैं, फिर इसको क्यों बता रहे हैं? आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। क्यों? क्योंकि यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, या निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के उपकरण नहीं है। तो दोस्तों, रेपो रेट को आप लोगों ने पढ़ रखा है, रिवर्स रेपो रेट को पढ़ रखा है, बैंक रेट को पढ़ रखा है, CRR को पढ़ रखा है। अब हम लोग स्टेचुअरी, लिक्विडिटी रेशियो, SLR एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन को जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मौद्रिक नीति के उपकरण हो जाएगा समाप्त। चलिए, ध्यान दीजिएगा, स्टेचुअरी, स्टेचुअरी, लिक्विडिटी स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR, यह आपका 5 नंबर है, 5 नंबर होगा यह, और इसको बोलते हैं SLR, एस
एल आर या सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात सांविधिक तरलता अनुपात एस एल आर का मतलब यही होता है। दोस्तों आखिर होता क्या है, अब इस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। कल मैंने आपको एनडीटीएल की एक डिफिनेशन बताई, मतलब एनडीटीएल बताया था कि एनडीटीएल आखिर होता क्या है। लोगों द्वारा बैंकों में शुद्ध जमा को एनडीटीएल कहते हैं। पूरा प्रोसेस अगर आप लोग से देखे होंगे तो उसका मतलब यही आता है कि ग्राहकों के द्वारा बैंकों में जो शुद्ध जमा होती है उसे निवल मांग समय देयता कहा जाता है। यहां चाहे तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि कल मैं नहीं लिखा पाया था तो आज लिखा देता हूं। एनडीटीएल मतलब होता है ग्राहकों द्वारा ग्राहकों द्वारा बैंक में शुद्ध जमा को निवल मांग समय देयता कहा जाता है। ग्राहकों द्वारा बैंक में शुद्ध जमा को निवल मांग समय देयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निवल मांग समय देयता कहा जाता है। यानी बैंकों में ग्राहकों के द्वारा जितनी संपूर्ण धनराशि जमा की जाती है उसी को एनडीटीएल कहा जाता है। आपने कल CRR पढ़ा होगा, मतलब पिछले लेक्चर्स में मैं आपको CRR के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया था। तो यहां से एक चीज आपको समझना होगा कि आपने CRR में देखा होगा कि सभी अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल मांग समय देयता का कुछ प्रतिशत हिस्सा RBI के पास जमा करना होता है। वो तो आपका CRR हो गया, लेकिन SLR में भी जमा NDTL का ही प्रतिशत करना पड़ता है, लेकिन बैंक के पास नहीं, अपने पास। कहा गया है कि सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल मांग समय देयता का सभी अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल मांग समय देयता का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो RBI निर्धारित करे। अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को अपने NDTL निवल मांग समय देयता का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो RBI निर्धारित करे अपने पास, बैंकों को अपने पास नगद या
सोने के रूप में आरक्षित करना होता है। अपने पास नगद या सोने के रूप में आरक्षित करना होता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात या SLR कहा जाता है। अच्छा, अपने पास बैंक क्यों जमा करें भैया? दोस्तों, अपने पास जमा करने का मतलब है कि बैंकिंग वित्तीय स्थिति कभी आ जाती है, कभी वित्तीय समस्या की स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तब उससे छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि जो NDTL है ना, तो लोगों का जमा है, तो लोग किसी भी समय इकट्ठा मांग सकते हैं, तो फिर बैंक क्या करेगा? तो बैंक के पास समस्या आ जाएगी, तो उतना बैंक के पास अपने पास रखना होता है। लगभग 19-20% इस समय चल रहा है, ठीक है ना? तो वह आपको रेट नहीं याद करना है, आपसे कोई मतलब उससे नहीं है। तो चलिए आइए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। सभी अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को सभी अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को सभी अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल मांग समय देयता का अपने निवल मांग समय देयता का अपने निवल मांग समय देयता का तो सभी अनुसूचित एवं वाणिज्यिक बैंकों को अपने निवल मांग समय देयता का कुछ प्रतिशत हिस्सा जो RBI निर्धारित करे, RBI मतलब मौद्रिक नीति समिति, जो RBI निर्धारित करे जो RBI निर्धारित करे उसे अपने पास नगद या सोने के रूप में आरक्षित करना होता है। अपने पास नगद या सोने के रूप में आरक्षित करना होता है। नगद या सोने के रूप में क्या करना होता है? आरक्षित करना होता है। अच्छा, ये बताइए, बैंक अपने पास NDTL का कुछ प्रतिशत क्या करेंगे? आरक्षित करते हैं।
अच्छा क्यों आरक्षित करते हैं भाई? उनको आखिरकार पैसे की जरूरत, रखने की जरूरत क्यों पड़ गई? उनको पैसा मिला है। तो कहने का प्रश्न यहां पर यह होता है भाई कि वित्तीय आपात की स्थिति से निपटने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या? वित्तीय आपात की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है, वित्तीय आपात की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। वित्तीय आपात की स्थिति से निपटने के लिए किया जाता है। क्या होता है? जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है अगर बैंकों के पास, तो उससे निपटने के लिए होता है। अच्छा, आपने कल एनडीटीएल के बारे में पढ़ा था दोस्तों। मान लो एनडीटीएल कितना है, मान लो एनडीटीएल सपोज करो कितना है, 100 करोड़ रुपए है या 100 रुपए है, और बैंक का जो SLR RBI ने निर्धारित किया 10% किया है, तब बैंकों के पास कारोबार करने के लिए कितना रुपए बचेगा? 90 रुपए बचेगा। उसी के हिसाब से अगर SLR को बढ़ा दिया जाए, बढ़ा करके 20% कर दिया जाए, तो बैंकों के कारोबार के लिए कितना बचेगा? 80 बचेगा, 20 अपने परसेंट अपने पास आरक्षित कर लेगी। और उसी के हिसाब से अगर इसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, SLR को क्या किया जाए, घटा करके 5% कर दिया जाए, तो बैंकों के कारोबार के लिए 95 रुपए बचेंगे। मतलब SLR को बढ़ाने से तरलता कम हो रही है, SLR को घटाने से तरलता बढ़ रही है। ये यहां आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है? आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि जब SLR बढ़ता है SLR के बढ़ने से तरलता, देखो यहां पर हो रही है कम, 90 से 80 पार आ रही है पैसा, फिर SLR के कम होने से तरलता ज्यादा होती है। समझ में आया? ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये भी आपको याद रखना होगा, समझ करके आप याद करिए, मैंने आपको तरीका बता दिया, ठीक है? चलिए आइए थोड़ा सा इसके बारे में अनुप्रयोग देख लेते हैं कि बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है और घटने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है, और एकदम शानदार तरीके से चीजें आप तक पहुंच जाना चाहिए। देखिए अब, देखिए हो जाइए तैयार। मैंने क्या कर दिया, SLR को यहां पर दिया बढ़ा। आप ये बताइए, अगर SLR बढ़ गया तो बैंक अपने पास ज्यादा रिजर्व करेंगे कि कम रिजर्व करेंगे? सोचकर बताइए, SLR बढ़ने से बैंक अपने पास ज्यादा रिजर्व करेंगे या कम? तो आप सब कहेंगे कि सर SLR के बढ़ने से बैंक अपने पास ज्यादा रिजर्व करेंगे, यानी बैंक का रिजर्व बढ़ जाएगा। बैंक का रिजर्व बढ़ जाएगा SLR के बढ़ने से, क्या होता है, बैंक का रिजर्व बढ़ जाता है। अच्छा, बैंक का रिजर्व बढ़ गया, बैंक ने क्या किया कि अपने पास ज्यादा पूंजी आरक्षित कर ली, तो बैंक के कारोबार के लिए पैसे कम हो गए कि नहीं? जल्दी से बताइए, बैंक के कारोबार के लिए पैसे कम हो गए कि नहीं? तो भैया बैंक के कारोबार के लिए बैंक मनी कम हो गई।
क्या हो गई, बैंक मनी कम हो गई ना, बैंक मनी क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा अब क्या होगा, बैंक मनी के कम होने से काम कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। बैंक अपने मनी को मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज को बढ़ा देगा, ब्याज में वृद्धि कर देगा। जैसे ही ब्याज बढ़ेगा तो दो ब्याज तो दो होता है, एक जमा ब्याज होता है और एक ऋण ब्याज होता है। तो जमा ब्याज अगर बढ़ेगा तो जमा बढ़ जाएगी, यानी ब्याज के बढ़ने से पब्लिक डिपॉजिट बढ़ जाएगा। देखिए सारी बातें मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप गलती करोगे तो फिर बेकार है भैया। पब्लिक डिपॉजिट में वृद्धि होगी लेकिन पब्लिक लोन कम होगा, लेकिन पब्लिक लोन कम होगा। पब्लिक डिपॉजिट ज्यादा होगी लेकिन पब्लिक लोन क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ब्याज ज्यादा होने की स्थिति में लोग ऋण कम लेते हैं, ब्याज ज्यादा होने की स्थिति में लोग क्या करते हैं, ऋण कम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा एक मिनट का पानी पी लेते पड़ाते हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा जानते हैं, देश के अंदर से तरलता कम हो जाएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अच्छा लिक्विडिटी यानी तरलता कम हो जाएगी, तरलता कम होने का मतलब क्या है, तरलता कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तरलता कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बोलिए सर आपने पढ़ाया था, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, उत्पादन मतलब इंडस्ट्री। आप ये बताइए अगर इंडस्ट्री कम हो गई तो रोजगार बढ़ जाएगा क्या, नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर देश में एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो देश में क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। भाई आपके घर से अगर कम लोग काम करेंगे तो आपके घर की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, कम होगी, यानी PCI पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय के कम होने से समग्र डिमांड में कमी आती है, प्रति व्यक्ति आय के कम होने से क्या होता है, समग्र मांग में कमी आती है, और समग्र मांग में अगर कमी आ गई तो वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में हो जाता है गिरावट। समग्र मांग में अगर कमी आ जाती है तो वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में क्या हो जाता है, गिरावट हो जाती है। यह आपको याद रखना पड़ेगा। तो वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में गिरावट को बोलते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, मंदी होता है, और इसको इकोनॉमी की भाषा में मुद्रा अवस्फीति कहा जाता है। मुद्रा अवस्फीति कहा जाता है,
और दोस्तों मंदी के स्थिति में वैल्यू ऑफ मनी मजबूत होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति मजबूत होती है। आपको खुद पता होगा वैल्यू ऑफ मनी का मजबूत होना मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति का मजबूत होना। वैल्यू ऑफ मनी क्यों मजबूत होती है भैया? क्योंकि जो वस्तु आपको पहले 10 रुपए 20 रुपए में मिलती थी, सॉरी दो वस्तु आपको पहले 10 रुपए में मिलती थी, अब वस्तु आपको 8 रुपए में मिल रही है। मतलब जो काम पहले आपका 10 रुपए कर रहा था वही काम करने में अगर 8 रुपए लग रहा है, इसका मतलब है कि मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई है। समझ में आया? अब देखिएगा क्या है। आइए थोड़ा सा इसी में हम अलग मार्कर से अलग रंग से लेकर के चलते हैं और आपको कुछ और बातें बताते हैं। देखिए क्या है, आपको करना क्या है। अब अगर मान लीजिए कि SLR को कम कर दिया जाए तो RBI ने SLR को कम कर दिया तो SLR को कम होने से बैंक का जो रिजर्व होगा वह हो जाएगा कम। अगर बैंक ने अपने पास कम आरक्षित किया तो बैंकों के पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे, बैंक मनी बढ़ जाएगी। बोलिए, बैंक मनी बढ़ जाएगी। बैंक मनी बढ़ जाएगी, उनके पास पैसे होंगे तो पैसे का इन्वेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंटरेस्ट को कम कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट को कम कर देंगे दोस्तों, पब्लिक डिपॉजिट कम हो जाएगा लेकिन पब्लिक लोन बढ़ जाएगा। जो पैसा घर में था वो घर में ही है, बाहर से लोन भी आ गया, मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो लिक्विडिटी बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ने पर प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ने पर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बढ़ने पर एम्प्लॉयमेंट, बढ़ने पर कैपिटल इनकम, और फिर डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ने की स्थिति में दोस्तों वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या होती है? बढ़ने लगती है, जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, और इसको इकोनॉमी की भाषा में मुद्रास्फीति कहते हैं। इकोनॉमी की भाषा में मुद्रा स्फीति कहा जाता है। इकोनॉमी की भाषा में क्या कहा जाता है? इकोनॉमी की भाषा में मुद्रा स्फीति कहा जाता है। और आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, मुद्रा स्फीति की होने में वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है। जो वस्तुएं सस्ती थी वह महंगी हो गई, महंगी हो गई मतलब मुद्रा को ज्यादा खर्च करना पड़ा है, मुद्रा को ज्यादा खर्च करना पड़ा है इसका मतलब वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब मुद्रा की लागत कमजोर हो गई। अब देखिए एक पॉइंट आपका मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत और बचा था जो आप बहुत ही शानदार तरीके से सीख जाएंगे। उस टॉपिक का नाम है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको क्या कहा जाता है? OMO कहा जाता है, खुले बाजार की संक्रियाएं। खुले बाजार की संक्रियाएं, खुले बाजार की खुले
खुले बाजार की संक्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। दोस्तों खुला बाजार में यार होता क्या है, खुला बाजार में क्या होता है जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइएगा खुले बाजार में क्या होता है। आपको पता होना चाहिए खुले बाजार के अंतर्गत या खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इसके अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। क्या पहले लिख लो इतना, फिर आगे समझाता हूं। इसके अंतर्गत आरबीआई बाजार है ना, इसके अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। इसके अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का अंतर्गत आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। मतलब आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है जिससे तरलता नियंत्रित होती है। मतलब समझ में आ गया, वही मुद्दा यहां भी है जो औरों में था, जिससे तरलता नियंत्रित होती थी। क्या होती है, तरलता नियंत्रित होती। अच्छा आप ये बताइए, अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है बाजार से, क्रय मतलब खरीदता है, तो उसके बदले में पैसा देगा। बोलिए भाई, अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आप उसके बदले में पैसा देंगे ना, तो मतलब आपके पास तो पैसे कम हो गए लेकिन सामने वाले के पास पैसे हो गए ज्यादा। यानी अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को मार्केट से खरीदता है, अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को मार्केट से खरीदता है तो क्या करता है, पैसा देता है। क्या करता है, पैसा देता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा तो उसके बदले में पैसा देगा, पैसा देगा तो तरलता बढ़ जाएगी। और अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूति को बेचेगा तो सामने वाला आरबीआई को पैसा देगा तो वहां की तरलता, मार्केट की तरलता, देश की तरलता कम हो जाएगी। समझ में आया, फिर से समझा रहा हूं दोस्तों। जैसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात आएगी, जैसे ही ओएमओ की बात आएगी, तो आप तुरंत समझ लेना यहां पे सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह होते हैं, बाद में हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले क्लासेस में, तो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। अच्छा, अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो आपकी तरलता बढ़ती है कि घटती है, पहले इतना सोचो। अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो आपकी तरलता बढ़ती है या घटती है, तो कहेंगे सर बढ़ती है। क्यों, क्योंकि हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हमारी तरलता बढ़ जाएगी। हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारी तरलता बढ़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है तो सामने वाला बेच रहा है तो उसकी तरलता बढ़ जाएगी। तो लिख लीजिएगा, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने से अर्थव्यवस्था की तरलता में वृद्धि तथा विक्रय करने से अर्थव्यवस्था की तरलता में गिरावट होती है।
सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने से तरलता में वृद्धि सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने से तरलता में वृद्धि तथा विक्रय करने से तथा विक्रय करने से तरलता में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करने से तरलता में वृद्धि तरलता में वृद्धि तथा विक्रय करने से तरलता में कमी होती है समझ में आया? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यार अगर आरबीआई क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है, अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है मतलब खरीदता है मार्केट से, तो उसके बदले में पैसा देगा तो तरलता में वृद्धि हो जाएगी, और अगर विक्रय करेगा तो मार्केट वाले पैसा देंगे तो मार्केट की तरलता कम हो जाएगी। तो लिख लीजिएगा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय से करने से क्या होगी? तरलता बढ़ेगी, और सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करने से तरलता कम होगी। सरकारी प्रतिभूति का विक्रय करने से तरलता क्या होगी? कम हो जाएगी। यह आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं, मैंने अभी आपको समझा दिया। बोलिए समझ में आया ना? चलिए दोस्तों, यह रहा आपके मौद्रिक नीति समिति से संबंधित जितने भी मात्रात्मक उपकरण होते हैं, उन सबको बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको पूरा रेपो रेट के बारे में बता दिया, मैंने आपको पूरा रिवर्स रेपो रेट के बारे में बता दिया, मैंने आपको बैंक रेट के बारे में बता दिया, मैंने आपको सीआरआर के बारे में बता दिया, मैंने आपको एसएलआर के बारे में बता दिया, मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ के बारे में भी
बता दिया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही शानदार पार्ट, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यह आपका प्रश्न होगा। दोस्तों भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में किया गया। पहली बार कब किया गया? जुलाई 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कितनी बैंकों का किया गया? तो उसके लिए एक पूंजी डिसाइड की, कैपिटल, कि ऐसे बैंक जिसकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा होगी उनका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ऐसे बैंक जिसकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा होगी उन सब का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो इस कैटेगरी में भारत के कुल कितने बैंक आते हैं? 14 बैंक आते हैं। मतलब भारत में पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब देखिएगा उस समय आरबीआई का गवर्नर कौन था? उस समय आरबीआई के गवर्नर थे एलके झा। आरबीआई का गवर्नर कौन था? लक्ष्मीकांत झा, या उनका पूरा नाम था एलके झा। साथ ही साथ देश का प्रधानमंत्री श्रीमती श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कौन कौन से बैंक का हुआ था कि नहीं हुआ था, तो लिख लीजिएगा, एक नंबरिंग डाल दीजिएगा, एक
दो तीन चार पाँच छः सात आठ। इसके बाद नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। अब 14 बैंकों का हम लोग नाम लिखेंगे जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था जुलाई 1969 में। देखो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पंजाब नेशनल बैंक, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक जिसको आप लोग यूको बैंक कहते हैं, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, फिर कैनरा बैंक, फिर सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, फिर देना बैंक, फिर इलाहाबाद बैंक। समझ में आया? तो ऐसी 14 बैंक हैं जिसका पहली बार क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण कराया गया था। तो आप देख लीजिए बैंकों का नाम आपके सामने है, आप आराम से इसको याद कर सकते हैं कौन कौन से बैंक हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक और इलाहाबाद बैंक। दोस्तों दूसरी बार 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया। और दूसरी बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया गया तो लिख लीजिएगा 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब? 1980 में। अब 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? दोस्तों इसके लिए एक पूंजी डिसाइड की गई और वह पूंजी थी 200 करोड़ से ज्यादा। कितनी? 200 करोड़ से ज्यादा। इसमें कुल कितने बैंक आए? 6 बैंक आया। मतलब इसके अंतर्गत कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल थे, पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। बैंक कौन कौन से थे? तो 6 बैंक थे। वो 6 बैंक कौन कौन से थे तो नाम लिख लीजिएगा। न्यू बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट एक बैंक आपकी और थी, वह थी विजया बैंक। ठीक है, तो 2 बार ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है दोस्तों, और दोबारा के बाद तीसरी बार कभी नहीं किया गया। ठीक है, और अब होने के चांसेस भी नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर आगे हम लोग बैंकों को विलय वगैरह के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।